दिया हुआ है, निम्न श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों दिया हुआ है 8, 17, 33, 67, 133। इसके बाद कौन आएगा? देखिए 8 × 2 = 16 + 1 = 17, ठीक ये वाला आ गया। इसके बाद देखिए 17 × 2 = 34 - 1 = 33 ये आ गया। ठीक इसके बाद देखिए 33 × 2 = 66 + 1 = 67 ये आ गया दोस्तों, ये आ गया। उसके बाद देखिए 67 × 2 = 134 - 1 = 133 ये भी आ गया। देखिए देखिए दोस्तों इसमें पहले प्लस वन, इसके बाद माइनस वन, इसके बाद प्लस वन, इसके बाद माइनस वन, मतलब प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन पैटर्न पर आधारित है, इस पैटर्न पर आधारित इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इधर माइनस वन, इसके बाद जो भी आएगा प्लस वन करके आएगा, ठीक, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा 133 × 2 = 266 + 1, क्योंकि इसका पहले माइनस वन था, तो ये जो आएगा प्लस वन आ जाएगा 266 + 1 = 267। ऑप्शन वन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कथन एंड निष्कर्ष। कथन में दिया हुआ है प्रमाणन कोर्स पास करने के लिए सुरेश को कोचिंग लेनी होगी, सुरेश को कोचिंग लेनी होगी। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष में दिया हुआ है सुरेश को कोचिंग पर पैसा खर्च करना पसंद है। देखिए दोस्तों पैसा खर्च करना पसंद है, लेकिन कथन में पैसे के बारे में नहीं चर्चा किया जा रहा है। कथन में इतना ही बोला जा रहा है कि सुरेश को कोचिंग लेनी होगी। क्यों? क्योंकि प्रमाणन कोर्स पास करने के लिए, ठीक, लेकिन निष्कर्ष में पैसे खर्च करना पसंद है, पैसे के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए दोस्तों ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक निष्कर्ष टू पर चलते हैं। देखिए दोस्तों अब हम निष्कर्ष टू पर चलते हैं। निष्कर्ष टू में दिया हुआ है दोस्तों सुरेश बिना कड़ी मेहनत किए उत्तीर्ण नहीं हो सकता। ये जो कड़ी दिया हुआ है इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या आप कड़ी मेहनत करके ही उत्तीर्ण हो सकते हैं? क्या आप सिंपल मेहनत करके उत्तीर्ण नहीं हो सकते? मतलब क्या आप हार्डवर्क करके ही उत्तीर्ण हो सकते हैं? क्या आप नॉर्मल वर्क करके उत्तीर्ण नहीं हो सकते? मतलब क्या आप 15 आवर्स पढ़ के ही उत्तीर्ण हो सकते हैं? क्या आप 10 आवर्स पढ़ के उत्तीर्ण नहीं हो सकते? दोस्तों अगर इसमें बिना मेहनत किए उत्तीर्ण नहीं हो सकता, अगर इतना ही भी दिया होता तो फिर ये सही हो जाता, 100% करेक्ट हो जाता है, लेकिन ये जो कड़ी लिखा हुआ है इसलिए दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक और एक बात दोस्तों इसमें केवल उत्तीर्ण बारे में ही बोला जा रहा है, ऐसा नहीं कि ऑल इंडिया रैंक 10 में आने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए दोस्तों स्टेटमेंट टू इज गलत एंड स्टेटमेंट वन इज गलत, दोनों गलत हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ना तो वन और ना ही टू अनुसरण करते हैं, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को टीसीएस ने पूछा था। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन फिगर एंड आंसर फिगर। दोस्तों इसमें एक मिरर इमेज मतलब दर्पण छवि दिया हुआ है ऐसे करके। ये जो इमेज दिया हुआ है इस चारों में से इसका मिरर इमेज कौन होगा? देखिए दोस्तों मिरर इमेज में ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे मिरर इमेज में दोस्तों इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी में दोस्तों
ये तो नहीं होगा, हमको ऐसे चाहिए, ऑप्शन थ्री भी नहीं होगा, ये ऐसे करके दिया हुआ है, लेकिन हमको सीधा चाहिए ऐसे करके, टू भी नहीं होगा, टू दोस्तों ऐसे करके दिया हुआ है, टू भी नहीं होगा, तो वन वन हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट दिया हुआ है एस और आर भाई है, देखिए एस आर इस दोनों भाई है, ठीक। उसके बाद देखिए टी एस की पुत्री है, देखिए दोस्तों टी दोस्तों एस की पुत्री है, ठीक, एंड यू आर की पत्नी है, मतलब आर का एक पत्नी है जो कि यू, यू आर की पत्नी है और क्यू की माँ है दोस्तों, क्यू की माँ भी है, मतलब यू इस यू ने, इस यू ने दोस्तों आर का पत्नी है एंड क्यू की माँ भी है, ठीक। इसके बाद देखिए पी भी की पुत्री है जो टी का जीवन साथी है, देखिए दोस्तों पी ने भी की पुत्री है जो टी का जीवन साथी है, मतलब ये जो भी ने टी का जीवन साथी है, टी दोस्तों एस का पुत्री है टी, एंड बोला जा रहा है कि भी टी का जीवन साथी है, इधर दोस्तों आ गया भी, अगर भी टी का जीवन साथी है तो फिर भी हो जाएगा हस्बैंड, भी का वाइफ हो जाएगा टी, मतलब टी एंड बी भी इस दोनों दोस्तों हस्बैंड वाइफ, ठीक। देखिए एस का पुत्र टी एंड टी का हस्बैंड भी, तो फिर एस का सन इन लॉ, मतलब एस का दामाद, दामाद जो बोलते हैं, एस का दामाद हो जाएगा भी, अगर एस का दामाद भी, इसका मतलब भी का ससुर एस हम बोल सकते हैं, भी का फादर इन लॉ, मतलब ससुर एस, क्योंकि एस का पुत्री, पुत्री का हस्बैंड भी, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों पी भी की पुत्री है, मतलब भी का पुत्री दोस्तों पी है, क्योंकि दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, दिया हुआ है पी भी की पुत्री है, मतलब भी का एक पुत्री है जो कि पी, देखिए इस पी ने दोस्तों भी का पुत्री है, अगर पी भी का पुत्री है तो फिर टी का भी पुत्री हो जाएगा, क्योंकि टी एंड भी इस दोनों हस्बैंड वाइफ पति पत्नी। देखिए पूछा जा रहा है कि पी के ग्रैंड फादर कौन है, देखिए दोस्तों एस का पुत्री टी, टी का पुत्री पी, इसका मतलब एस का नाती जो बोलते हैं, नाती किंबा पुत्ता, एस का पुत्ता किंबा नाती पी, पी हो जाएगा ना, पी हो जाएगा डायरेक्टली, एस का पुत्ता पी हो जाएगा। देखिए अगर एस का पुत्ता पी हो जाएगा तो फिर पी का ग्रैंड फादर कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा ना दोस्तों, पी का दादा एस, एस हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, एस इज द ग्रैंड फादर ऑफ पी। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित चार्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ताकि चार्ट पूर्ण हो जाए। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा, देखिए पहले दिया हुआ है वन ट्वेल्व टेन, इधर दिया हुआ है एट फाइव थ्री, इस साइड में दिया हुआ है वन फिफ्टीन एट, देखिए दोस्तों वन फिफ्टीन इंटू एट क्या हो जाएगा, वन ट्वेंटी हो जाएगा ना, इसी तरह ट्वेल्व टू फाइव, ट्वेल्व इंटू टू इंटू फाइव, देखिए ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर इंटू फाइव इक्वल टू वन ट्वेंटी, इधर देखिए वन ट्वेल्व टेन, देखिए वन इंटू ट्वेल्व इंटू टेन इक्वल टू वन ट्वेंटी, इसी तरह देखिए दोस्तों साइड एट फाइव थ्री, एट इंटू फाइव इंटू थ्री क्या हो जाएगा, एट फाइव फोर्टी, फोर्टी इंटू थ्री इक्वल टू ट्वेंटी दोस्तों वन ट्वेंटी। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों अगर हम इस तरह मल्टीपुल करेंगे तो फिर वह वन ट्वेंटी आ रहा है, इधर भी अगर मल्टीपुल करेंगे तो फिर वन ट्वेंटी आ रहा है दोस्तों। ये जो दिया हुआ वह है क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर क्या होगा, देखिए फिफ्टीन इंटू टू इंटू डैश इक्वल टू वन ट्वेंटी, इसी तरह टेन, इधर देखिए दोस्तों इधर इधर साइड टेन इंटू डैश इंटू थ्री इक्वल टू वन ट्वेंटी, देखिए
अगर हम दोस्तों इधर 15 × 3 = 30, 30 × 4 दोस्तों 120 हो जाएगा। इसी तरह है 10 × 4 = 40, 40 × 3 = 120 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4, ठीक, क्योंकि 4 ही सेटिस्फाई कर रहा है 120 आंसर आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस छवि में कितना वर्ग है और इसका 1/4 क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए दोस्तों इस साइड, देखिए इस साइड दोस्तों 1, 2, 3, 4 एंड इस साइड दोस्तों 1, 2, 3, मतलब ये जो फिगर दिया हुआ है इधर साइड तो 4 दिया हुआ है लेकिन इधर साइड 3 दिया हुआ है, मतलब इस फिगर 4 × 3 इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले 3 × 3 मतलब 3 × 3 ये जो मैंने ड्रॉ किया इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों 1, 2, 3 इधर भी 1, 2, 3, तो फिर हम क्या करेंगे 1 + 2 + 3 इसका स्क्वायर कर लेंगे, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9 हो गया 9 + 4 = 13 + 1 = 14, मतलब ये जो फिगर मैंने लिया था 3 × 3 × 3 फिगर इधर 3 इधर 3 इसमें 14 स्क्वायर है, मतलब 14 वर्ग चित्र है। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये एक 15, ये एक 16, ये एक 17, ये एक दोस्तों 15, ये 16, ये 17, ठीक। इसके बाद देखिए 14 + 3 हो गया हमारा 17 आ गया। 17 के बाद क्या होगा, 17 ने हमारा आया था, मतलब इधर तो 14 इधर 3 17 आया था। इसके बाद देखिए, इसके बाद इधर से लेकर इधर दोस्तों, देखिए इधर से लेकर इधर, ठीक, ये भी एक वर्ग चित्र स्क्वायर प्लस वन, ठीक। इसके बाद देखिए, इसके बाद इधर से लेकर इधर ये भी एक स्क्वायर हो जाएगा ना, ये भी एक स्क्वायर प्लस वन। उसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट इधर से लेकर इधर, मतलब ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये भी एक स्क्वायर, तो ये भी प्लस वन हो जाएगा। 17 + 1 + 1 + 1 मतलब 17 + 3 = 20 फिगर दोस्तों। ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें टोटल 20 वर्ग है, 20 वर्ग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20। लेकिन ये गलत, इसका आंसर 20 गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या रहा है, पूछ रहा है कि इसका 1/4 क्या होगा, मतलब ये तो हमारा आया था 20, ये तो आया था 20, 20 का 1/4 क्या हो जाएगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। टीसीएस ने एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर एंड आंसर फिगर दोस्तों, इसमें पहला फिगर से दूसरा फिगर बना हुआ है, तो इसी तरह तीसरा फिगर से इस चारों में से क्या आएगा, मतलब इस चारों में से इसका आंसर कौन होगा। देखिए इसका आंसर होगा दोस्तों, देखिए पहले में क्या दिया हुआ है, पहले में दोस्तों एक ट्रायंगल त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज इधर दोस्तों इधर ऐसे करके दिया हुआ है, लेकिन अंदर में ब्लॉक दिया हुआ है, अंदर में दोस्तों ब्लॉक। इसी तरह इधर दोस्तों पहले ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब पहले जो ट्रायंगल दिया हुआ है इसको उल्टा करके दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है, ठीक, उल्टा करके दिया हुआ है दोस्तों। ये जो आएगा ये ऐसे तो आएगा लेकिन उल्टा करके ही आएगा। देखिए इधर व्हाइट त्रिभुज का अंदर व्हाइट था, इधर ब्लैक हो गया, इसी तरह ये जो त्रिभुज दिया हुआ है ये उल्टा करके दिया हुआ है
लेकिन ब्लैक ब्लैक दिया हुआ है, ये जो आएगा दोस्तों ये व्हाइट आएगा एंड उल्टा करके आएगा, इस तरह आएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए आंसर वन, आंसर वन तो कभी नहीं होगा, ये तो ब्लैक दिया हुआ है, हमको व्हाइट चाहिए, ऑप्शन वन नहीं होगा। ऑप्शन टू देखिए दोस्तों, ऑप्शन टू को कुछ देर के लिए होल्ड कीजिए, ये हो सकता है ऑप्शन टू। ऑप्शन थ्री पर चलते हैं, देखिए ऑप्शन थ्री में दोस्तों ब्लैक दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा, हमको व्हाइट चाहिए। ऑप्शन फोर देखिए दोस्तों, ऑप्शन फोर में जो दिया हुआ है ये तो व्हाइट दिया हुआ है लेकिन सीधा करके दिया हुआ है, लेकिन हमको उल्टा चाहिए, हमको दोस्तों उल्टा चाहिए, तो फोर भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर।